में आपको अगर ट्रेड करना है तो वन मोर स्ट्रेटेजी दैट आई एम डिस्कसिंग इट हियर, इस स्ट्रेटेजी के साथ आपका रिस्क टू रिवर्ड एंड एग्जीक्यूशन लेवल में काफी आपका इम्प्रूवमेंट इम्प्रोवाइजेशन आएगा। इंट्राडे में खेलने के लिए विथ यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लेना है। सो आपको क्या क्या चाहिए? पहला टाइम फ्रेम, इज 15 मिनट्स। देन आर एस आई 9 पीरियड, 9 पीरियड विथ 70-30 एज द रेंज। देन EMA 50 ऑन प्राइस। बस यही तीन चीज हमें चाहिए इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, टाइम फ्रेम जो होगा 15 मिनट का होगा, RSI 9 पीरियड का होगा विथ 70-30 एज द रेंज एंड EMA 50 ऑन प्राइस। सो यहाँ पे देखिए, ये जो RSI पीरियड है, RSI हमने जो 14 को 9 कर दिया है एंड अपर लिमिट 70 एंड लोअर लिमिट 30 और EMA 50। सो अभी जब बाइंग सेटअप के लिए क्या करना है एंड सेलिंग सेटअप के लिए क्या करना है, फॉर बाइंग सेटअप प्राइस हैज टू मूव अबोव EMA 50 and RSI has to move above 70. So, यहां पे देखिए प्राइस नीचे के तरफ था, देन प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आपको इमीडिएटली बाय नहीं करना है, आपको इंतजार करना है एक पुल बैक एंड कंसोलिडेशन। So, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, उसके बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर गया। अभी इस कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द कंसोलिडेशन एंड 1:2 आपका टारगेट। इन दिस केस आपको 1:2 मिला नहीं है। फिर देखते हैं प्राइस नीचे से, बोले तो EMA 50 के नीचे से ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है पहला। सेकंड RSI 9 जो है अबोव 70 गया है, अबोव 70 इस कैंडल पे गया है, इमीडिएटली हमें बाई नहीं करना है, एक पुल बैक। पुल बैक के बाद एक रेंज बनाएगा, इस रेंज के हाई के ऊपर बाई, नीचे आपका स्टॉप। So, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपका रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज के ऊपर बाई एंड लो के नीचे स्टॉप लॉस। और देखते हैं प्राइस आपका बिलो EMA 50 था, अबोव 50 में चला गया, उसके बाद एक पुल बैक एंड कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे पुल बैक एंड कंसोलिडेशन आपका आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट दिया नहीं है। वंस अगेन प्राइस नीचे था, ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इमीडिएटली हमें बाय नहीं करना है, पुल बैक के बाद एक कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाय, जो यहां पर भी आपको 1:2 का टारगेट दिया नहीं है। यहाँ पे आते हैं,
प्राइस ये में, हाँ ये वाला, ये देखिए प्राइस ईएमए 50 के नीचे था, अभी ईएमए 50 के ऊपर गया है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आरएसआई अबव 70 आएगा, उसके बाद एक पुल बैक एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पे पुल बैक नहीं आया लेकिन कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:2। तो हमें पहले स्विच ओवर देखना है फ्रॉम ईएमए ऊपर से नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे के। ये हो गया यूरो आईएनआर का, जीबीपी आईएनआर का देख लेते हैं एक बार। हाँ यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे था, ईएमए 50 के नीचे था, देन 7 फरवरी के ईएमए के ऊपर गया। आरएसआई 9 आल्सो 9 पीरियड अबव 70 गया, देन पुलबैक। पुलबैक के बाद आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2। यहाँ पे प्राइस बिलो ईएमए 50, देन ईएमए 50 के ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे पुल बैक नहीं आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2। ये हो गया बाइंग सेटअप। यहाँ पर भी देखिए प्राइस नीचे था, ईएमए 50 ऊपर एबो 50 किया, देन पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस 1:2। यहाँ पे क्लियर कट रेंज दी। ये हो गया बाइंग का सेटअप। अभी आते हैं सेलिंग का सेटअप। सेलिंग का सेटअप जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, पहले प्राइस एबो 50 ईएमए रहेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो आप प्राइस ईएमए 50 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट डे से 5 फरवरी को बिलो 50 है। अभी हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है, हमें पुल बैक एंड कंसोलिडेशन, पुल बैक के बाद कंसोलिडेशन आप अगर देखोगे यहाँ पे आया है। सो इसके लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट। फिर देखते हैं प्राइस कहाँ पे अबोव ये में था एंड उसके बाद नीचे आया। प्राइस अबोव था ये में के नीचे आया, इमीडिएटली हमें बेचना नहीं है, पुल बैक। पुल बैक के बाद एक रिकंसोलिडेशन जोन बनाने देते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, लो के नीचे मींस आपका सेलिंग एंड 1:2 एंड मोर। ये हो गया आपका सेलिंग। यहाँ पे प्राइस अबोव ईएमए 50 था, नीचे आया, ईएमए 50 के नीचे आया, देन यहाँ पे हमें चाहिए आरएसआई टू मूव बिलो 30, 30 के नीचे आया, फिर पुल बैक किया, पुल बैक के बाद एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के लो के नीचे सेल एंड हाई के ऊपर स्टॉप 1:2 टारगेट। सिमिलरली प्राइस यहाँ पे अबोव ईएमए 50 था, बिलो ईएमए 50 में आ चुका है इस जोन पे, देन हमें इंतजार है आरएसआई टू फॉल बिलो 30 के नीचे गया, फिर पुल बैक, पुल बैक के बाद एक कंसोलिडेशन बनाया, उसके लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2। फिर इंतजार हमें देखते हैं ये वाला अबोव ईएमए से बिलो ईएमए में प्राइस आया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद कंसोलिडेशन, एक रेंज बनाना है, रेंज के लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2। यहाँ पे ये हो गया सेलिंग। एक बार देख लेते हैं यूरो आईएनआर पे भी सेलिंग का देख लेते हैं। प्राइस अबोव यहाँ पे अबोव में था, कौन सा डेट को, सेकंड, फिर फिफ्थ को बिलो ईएमए 5 आया, फिर पुल बैक, पुल बैक के बाद एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के लो के नीचे सेल,
हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2 टारगेट्स। तो यहाँ पे हमने फ्यू केसेस में देखे हैं जो आपको प्रॉफिट तो दिया लेकिन 1:2 दिया नहीं एंड हमारा लॉसेस दिया। तो कोई भी सिस्टम जो है 100% फुल प्रूफ है नहीं, हमें रिस्क टू रिवार्ड के साथ हमें प्रॉफिट को क्या बोलते हैं मींस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आप अगर देखोगे यहाँ पे ऊपर 50 EMA के ऊपर प्राइस, नीचे आया RSI टू बिलो 30, उसके बाद पुल बैक एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के नीचे सेल, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर, यहाँ पे लेकिन आपका फिक्सिंग मंथली फिक्सिंग होगा, यस मंथली फिक्सिंग, उसके बाद इसीलिए आप देखोगे 12:15 के बाद प्राइस और फिर बट यहाँ पे 1:1 का दिया है। सिमिलरली यहाँ पे वो 50 से बिलो 50, ये इस लेवल पे बिलो 30 आया, देन हमें एक पुल बैक के बाद कंसोलिडेशन, लेकिन यहाँ पे पुल बैक के बाद ज्यादा कंसोलिडेशन दिया नहीं है, जस्ट इनसाइड वर्ड बनाया नीचे। सो यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी इज क्लियर। हम क्या करेंगे, एक बार रिविजन कर लेते हैं। क्या रिविजन करना है, टाइम पीरियड टाइम फ्रेम 15 मिनट, RSI 9 को लेंगे विथ 30-70 एंड EMA 50 ऑन प्राइस। जैसे प्राइस बिलो 50 से अबोव 50 जाएगा RSI, अबोव 70 जाएगा, उसके बाद पुल बैक में कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर बाई करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2। एंड सेलिंग के लिए प्राइस अब अबोव 50 से बिलो 50 आएगा, RSI भी बिलो 30 आएगा, उसके बाद पुल बैक के बाद कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं दिया, उससे पहले ही छोटा 2 कैंडल का एक छोटा वो दिया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद लोगे नीचे, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं सिस्टम। अभी यहाँ पे सिस्टम पे ये पुल बैक पहला बार आप RSI 30 के नीचे आता है, तो पुल बैक में फर्स्ट टाइम अगर आप मिस करते हो तो सेकेंड टाइम भी आप पुल बैक में ले सकते हैं, कंसोलिडेशन पुल बैक कंसोलिडेशन एंड लो के नीचे से, लेकिन थर्ड टाइम में ज्यादातर केसेस में लॉसेस आते हैं। सो थर्ड टाइम पुल बैक एंड कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा। यहाँ पे प्राइस अबोव 50 से बिलो 50 आया, RSI भी आपका इस लेवल पे नीचे आया, फिर हमें कंसोलिडेशन के लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर दोबारा हमें सेकेंड टाइम क्या देखना है, सेकेंड टाइम हमें कंसोलिडेशन पुल बैक एंड कंसोलिडेशन देखना है, पुल बैक एंड कंसोलिडेशन को लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, थर्ड टाइम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपका डे चेंज हो गया है। सो ये स्ट्रेटेजी इज यूजिंग RSI period 9 for intraday trading। आशा करता हूँ ये स्ट्रेटेजी समझ में आ चुका होगा, दो चार बार इसको गो थ्रू कीजिए, देन उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए, देन फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। थैंक यू।